असली प्रश्न आया है और वह प्रश्न आया मंजू जैन देहरादून से और उन्होंने प्रश्न किया महाराज श्री वास्तविक तत्व ज्ञान क्या है, वास्तविक तत्व ज्ञान क्या है, भ्रम कहाँ है, भ्रम कहाँ है। तो बोले कहा जाता है वास्तविक ज्ञान क्या है, भेद विज्ञान क्या है, भेद विज्ञान जहां पर क्या होता है शरीर अलग है आत्मा अलग है। तुष्मास भिन्नम क्या होता है, जहां पर तुष्मास भिन्नम मतलब जो है छिलका अलग है और दाल अलग है, ठीक है ना। तो ऐसा जो बात अलग ज्ञान हो जाता है, भेद विज्ञान हो जाता है, जहां आत्मा के बारे में ज्ञान हो जाता है कि आत्मा कैसी है। तो बोले आत्मा अजर अमर है, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, आत्मा का कभी मरण नहीं होता है और कैसी है, शाश्वत है। ये शरीर घर मकान गाड़ी बंगला रूप बल ये सब क्या है, ये अशाश्वत है और आत्मा क्या है, शाश्वत है, क्योंकि वह हमेशा अनादिकाल से है, अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगी। तो इसकी वह क्या है, शाश्वत है, कभी ना उसका जन्म होता है और ना ही कभी उसका मर होता है। जो जन्म आदि हो रहा है, बनना मिटना हो रहा है, वो सब पुद्गल का हो रहा है। तो इसलिए आत्मा शाश्वत है और शरीर नश्वर है। ऐसा जो भेद जो है जान लेता है वही वास्तविक माने तत्व ज्ञान है, इसी को आत्मिक ज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं, दिव्य ज्ञान कहते हैं और वास्तविक ज्ञान भी इसी को कहते हैं, ऐसा जाना चाहिए।